हाय फ्रेंड्स नमस्ते स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां हम बात करते हैं फैशन ब्यूटी और लाइफ स्टाइल की तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं सफोरा कलेक्शन के उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनको लेके मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा और मुझे लगता है कि आपको भी शायद नहीं खरीदना चाहिए बट देन मेकअप इज सब्जेक्टिव हो सकता है आपने उसे ट्राई किया और वो प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे एंड येस yes, मैंने ऑलरेडी टॉप टेन सफोरा कलेक्शन के वो प्रोडक्ट्स जो आपको चेक करना चाहिए वो वीडियो डाल दिया अपने चैनल पर आप जाके उसे देख सकते हो और हाँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट यू डिड दैट आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया मुझे काफी इंकरेजमेंट मिलती है और हाँ किसी भी तरीके का फीडबैक तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर से बता दिया करो ताकि मैं भी इम्प्रूव करूँ एंड नाउ लेट्स गेट गोइंग विद गोइंगेज वीडियो तो मैं आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ कुछ महीनों पहले मैंने फुल फेस ऑफ सफोरा कलेक्शन के प्रोडक्ट्स यूज करके एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फर्स्ट इम्प्रेशन शेयर किए थे आपके साथ अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी आई जस्ट दैट वीडियो फॉर यू ताकि आपको भी पता चले कि सफोरा कलेक्शन एक ब्रांड है जो कि सफोरा का खुद का मेकअप ब्रांड है और आपको वहां पर भी सही दाम पर प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं और हमेशा मैं कहती हूँ हाई एंड मेकअप ब्रांड्स जो है अगर आपको एक्सप्लोर नहीं करना है तो या तो आप सेल का वेट कर लो या तो

और फॉर्मुलेटेड फॉर एन फॉमुलेटेड्रो पेंसिल इज वॉट आई वुड से अगर आपने मेरी वीडियोज को रेगुलरली देखा है तो आपको अब आप पता होगा कि मीनि का एब्रो पेंसिल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो सरप्राइज था मेरे लिए खुद um, मैं उसे जब से यूज कर रही रूँ अभी तक मैंने उसे यूज करना छोड़ा नहीं है आई लव दैट आईब्रो पेंसिल जबकि उसका थिन नेब है हैविंग सट दट मैं यूजअली ऐसे रेगुलर आइब्रो पेंसिल्स को ही प्रेफर करती हूँ मेड एंड वाइल्ड का स्टूडेट बेटा बहुत सालों से मैं यूज़ करती आ रही हूँ खरीदती रहती हूँ और इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं एक आइब्रो पेंसिल खरीद रही हूँ पर मैंने इसे खरीदा आई एम नॉट वर्ल्ड बाइड इट्स अ वेरी डिसेंट प्रोडक्ट बट आई एम नॉट इन लव विद इट लाइक हाउ आई एम इन लव विद मीनी सोज आइब्रो पेंसिल तो कंपैरिजन के लिए बस इतना ही कहना है कि मुझे ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और मैं इसे वापस से नहीं खरीदूंगी ऑन सफोरा का मैंने ये बेस्ट कैन एवर जो उनका फाउंडेशन है वो तो खरीदा वो मेरा टॉप टेन वाले लिस्ट में भी प्रोडक्ट मैंने मैंशन किया हुआ है आप जाके देख सकते हो पर ये जो कंसीलर है मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसको यूज करने से पहले मुझे ना कलर करेक्शन भी करना पड़ता है ऑन इट्स ओन जब मैं इसे लगाती हूँ तो मुझे हल्का सा ग्रे कास्ट दिखता है दैट्स आई फील एंड इट्स नॉट दैट बैड ऑफ अ प्रोडक्ट crease, but i don't love the finish that it has got uh, overall uh, under my eyes i don't know what is it um, i'm not a big fan of uh, this product

स्किन टोन्स के लिए सही नहीं लग रहा है अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है इट्स फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन गर्ल्स इज आई वुड से प्लस ये जो पाउडर है काफी हार्ड प्रेस्ड लग रहा है मुझे मैं इसे जितना यूज uh, करती जा रही हूँ मुझे समझ आ रहा है ये हार्ड प्रेस्ड है और कवरेज के नाम पर मैं यूजुअली पाउडर को ना अपने अंडर आइज को सेट करने के लिए यूज करती हूँ या फिर यहाँ पे स्पाइन लाइन को सेट करने के लिए यूज करती हूँ इट डज द जॉब बट आई डोंट लव इट इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट जितना पैसा इसका मैंने पे किया उस हिसाब से ये प्रोडक्ट कुछ वाओ नहीं है एंड आई डिड नॉट लाइक इट अलॉट अलॉट मेरी ड्राई स्किन टाइप है उस पर ये मैं बस uh, अप्लाई करके छोड़ देती हूँ नॉट दैट इट एग्जेजरेट्स और द स्किन कंडीशन यू नो द ड्राई पैच बट आई स्टिल वुड से इट्स नॉट वर्थ परचेजिंग मुझे ऐसा पर्सनली लगता है क्योंकि ये जो पाउडर है मुझे इसका फिनिश मेरी स्किन पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता वाली में ही बता दिया था कि, जो मैंने आई शेडो लगाया था बाद में वो क्रीज होने लगा था आई शेडो पैलेट मैंने यूज किया था बाद में मैंने इन आई शेडोज को और ज्यादा यूज किया तो मेरा तो कंफ्यूजन ये है ये तो फिर भी काम चल जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा मेटेलिक है पर ये ना ग्लिटर

आय प्रोडक्ट्स की बात हो रही है और इसको मैं मेंशन ना करूं ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सफोरा के इस प्रोडक्ट को पहली बार ही यूज करने के बाद मैं सही बता रहा हूं मैंने इसे प्रोजेक्ट पैन में भी डाला है मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इसे यूज करूं पर मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है आई डोंट नो हाउ पीपल लव इट बट या दिस इज द मस्कारा बाय सफोरा लुक समथिंग लाइक दिस डज नाथिंग मेरी ना काफ़ी स्ट्रेट लैशेज हैं और उनको कॉल करने के बाद भी बहुत मुश्किल होती है मुझे किसी तरीके का वॉल्यूम मिले तो बहुत स्पेसिफिक मस्कारे हैं मार्केट में जो मैं यूज करती हूँ जैसे ब्यूटी का मस्कारा लैश वॉरियर मस्कारा पुरा ब्यूटी का उनको टाव मस्कारा ये ऑन टॉप ऑफ मै हैड है मैक का मैक्स टैक मस्कारा एक्स्ट्रा थ्री डी ब्लैक लैश डिमेंशन मस्कारा वो सारे मस्कारे जो है मैंने इतने सालों से मेकअप प्रोडक्ट खरीदे हैं तो ये मस्कारे जो मेरे गो मस्कारे है मेरे एकदम गोटू मस्कारे हैं और ये बिल्कुल भी मेरे मेरे को नहीं देता 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 कुछ हद तक है 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 तो देता है, nothing else. So, मेरे लिए तो लिए ये ये सफोरा का ये मैंने खरीदा था और गए साल मैंने इसे काफी यूज किया बाद में फिर मुझे काफी एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी एक्सड रीजन से तो मैंने इसे यूज करना थोड़ा कम कर दिया एंड देन आई स्विच टू क्लिनिकिंग बाम एंड

Um, I don't know, it has gone uh, extremely bad, or what really has happened. Texture has changed, why it has become goopy, because um, I can't pinpoint what might be the reason. पर मेरे लिए ये टोटल फेलियर हो चुका है एंड आई डोंट थिंक सो मैं फ्यूचर में से खरीदना चाहूंगी अभी ये पर्सनली भी हो सकता है कि प्रोडक्ट अच्छा हो और विथ टाइम इसका यू नो फॉर्मूलेशन रख रखे के चेंज हो गया हो और इसकी वजह से इसका यू you नो know, जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो गया हो तो वो पर्सनली आई आई जस्ट टेक द अकाउंटेबिलिटी दैट दैट माइट हैपेंड पर मोर लेस आई एम नॉट गोइंग टू री दिस प्रोडक्ट तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो किसी तरह से हेल्पफुल रही होगी अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करें बेल बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अगर नोटिफिकेशन मिल जाती है तो प्लीज आके मेरी वीडियो को भी देख लेना एंड आई नारी होप कि आपको तब भी अच्छा लगे मेरी वीडियो को देखना चलिए आज की वीडियो यही खत्म करते हैं मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में टेक केयर बाय बाय